नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आगरा में स्पेशल जज उमाकांत जिंदल ने फतेहपुर सीकरी के बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और आगरा दक्षिण विधानसभा से बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय सहित पांच के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामला 26 साल पहले कैंट स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस रोक कर उसमें तोड़फोड़ करने का है। पांचों इसमें गैर हाजिर चल रहे हैं। चाहर और उपाध्याय के अलावा अन्य तीन आरोपियों में बीजेपी ब्रज क्षेत्र के पूर्व प्रभारी हृदयनाथ दीक्षित, बीजेपी नेता मुकेश गुप्ता और त्रिलोकी नाथ अग्रवाल हैं। पांचों के जमानतियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एक आंदोलन था, राम जन्मभूमि आंदोलन। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान किया था कांग्रेस के लोगों ने। उस चक्कर में उनका विरोध प्रदर्शन करने माधवराव सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। हम भी एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भी थे, हम लोग गए थे। उन्होंने झूठा मुकदमा कायम करा दिया, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संघर्ष से कभी डरे नहीं, ऐसे मुकदमे तो आते रहते जाते रहते। कोर्ट ने SSP बबलू कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी वारंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित थाना अध्यक्षों ने इन्हें तामिल कराने में विशेष रुचि नहीं दिखाई है। कोर्ट ने टिप्पणी की है, ऐसा प्रतीत होता है कि थाना अध्यक्ष जानबूझकर शिथिलता बरत रहे हैं। SSP को आदेश दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट तामिल कराकर उन्हें 2 नवंबर से पूर्व कोर्ट में पेश कराया जाए। इस मामले में हाई कोर्ट ने शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। गैर जमानती वारंट पर सांसद राजकुमार चाहर का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। घटना 3 जनवरी 1993 की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं। इसी का विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता कैंट स्टेशन पहुंचे थे। शताब्दी ट्रेन से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जा रहे थे। जीआरपी की ओर से दर्ज केस में 93 लोग आरोपी बनाए गए हैं। आरोप था कि पहले ट्रेन रोकी गई, फिर तोड़फोड़ की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।